हेलो डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आज हम सबसे मुश्किल दौर COVID-19 महामारी के दौर से गुज़र रहे हैं और इस दौर में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी स्कूल के सकारात्मक प्रयासों और स्टूडेंट्स के सपोर्ट से हम ऑनलाइन क्लासेस से एजुकेशन ले पा रहे हैं और अब ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अच्छा चल रहा है। अब वक्त है कि जो भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में सीखा है उसे टेस्ट के जरिए इवैल्यूएट करें। तो आइए इस वीडियो से सीखते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक मिलेगा टेस्ट का, जिसको आपको क्लिक करना है। इस व्हाट्सएप को लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका एक विंडो ओपन होगा। इस तरह से विंडो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सबमिट करना है, बस। लेकिन इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे करना है आइए देखते हैं। जैसे ही आप आपका टेस्ट लिंक पर क्लिक करोगे ये स्क्रीन आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, क्लास और आदि दिखाई दे रहा है। ये हुआ इंट्रोडक्शन स्क्रीन। इसी के साथ जैसे ही आप स्क्रीन को ऊपर करोगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा एंटर योर नेम। सो यहाँ पे आपको आपका नाम टाइप करना है। इस बॉक्स में आपको आपका नाम टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जिमी सर का नाम, जिमी मैथ्यू, और साथ ही साथ उसमें वहाँ पे मैं टाइप करने जा रहा हूँ डिवीज़न ए। सो सबसे पहले आपको नाम टाइप करना है और डिवीज़न टाइप करना है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि अगला स्टेप क्या करना है। उसके पहले सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान में रखिए, क्वेश्चन के बाजू में आपको एक स्टार का साइन दिख रहा है। ये स्टार का साइन मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हो, नहीं तो लास्ट में टेस्ट के एंड में आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा। सो ऐसे स्टार वाले क्वेश्चन कंपलसरी है। तो आइए चलते हैं अगले पोजीशन पे। यहाँ तक हमने फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट किया, हमारा इंट्रो स्क्रीन, उसके बाद वहाँ पे हमने नाम और डिवीज़न टाइप किया। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 1600 इज़। यहाँ पे आपने तीन ऑप्शंस दिए, उसमें से राइट ऑप्शन है 40, उसमें आपको सर्कल में टिक करना है बस। फिर आपको स्क्रोल करके ऊपर जाना है, फिर आपने सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे आपको इसमें से दिए हुए नंबर में से स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अभी जैसे आप देखोगे 30 का स्क्वायर है 900, तो वहाँ पे राइट आंसर पे आपको टिक मार्क करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस है और ऊपर की साइड में आंसर्स है, तो जो राइट आंसर है, अभी जैसे 17 का है राइट आंसर 289, सो 289, 40 का है 1600, तो हमने ये टिक किया 1600 पे। इस तरह से सभी आंसर राइट आंसर्स पे आपको टिक करना है। एक तो सर्कल में हो गए या स्क्वायर में हो गए वो आपको देखना है। अभी जैसे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने थ्री ऑप्शंस दिए, व्हाट इज़ अ मीन बाय क्यूब ऑफ ए नंबर। यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, उसमें से एक ऑप्शन जो आपको सही लगता है उसमें आपको सर्कल करना है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये डेमो टेस्ट है, क्वेश्चन चेंज होके भी आएंगे आपको। जैसे अभी यहाँ पे मैंने सेकेंड आंसर में ले लिया राइट था, मैंने उस सर्कल में टिक कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी हमने थ्री ऑप्शंस दिए हैं, इन थ्री ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शंस होगा उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे है फिफ्थ क्वेश्चन, वो भी मल्टीपल चॉइस वाला है। सो जनरली अभी पहला जो टेस्ट पेपर होगा आपका वो होगा मल्टीपल चॉइस का। तो जो भी आपने देख रहे हो यहाँ पे टेस्ट, इसी पैटर्न में आपको जस्ट सिलेक्ट करना है। सब कंप्लीट होने के बाद में आपको नीचे एक सबमिट बटन दिखाई दे रहा होगा, उस सबमिट बटन पर आपको आखिरी में एंड में क्लिक करना है। एंड में क्लिक करने के पहले आपको सब चेक कर लेना है कि आपने सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, और स्टार वाले स्पेशली चेक करना है क्योंकि वो कंपलसरी, नहीं तो सबमिट आपका नहीं होगा। फिर फाइनली नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। अगली स्क्रीन पर आपको देखना है व्यू स्कोर, आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए राइट है रॉन्ग है, आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए 10 out of 10, क्योंकि सभी राइट आंसर्स है। ये तो टोटल मार्क्स दिखाया गया है, उसी के साथ आप एक एक क्वेश्चन का कौन सा राइट है रॉन्ग है
सभी आप यहाँ पे वन बाय वन चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है? बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको क्वेश्चन वाइज उसका डिटेल, राइट आंसर है, रॉन्ग आंसर है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ये सब दिखाई देगा। आइए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंस बातें जो टेस्ट से रिलेटेड है। जैसे कि ये टेस्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा, तो टीचर्स आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके टेस्ट ग्रुप में आपको बताएंगे कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक आपको ये टेस्ट अटेंड करना है और सबमिट करना है। तो उसी दिए गए टाइम में ही आपको ये सबमिट करना है। सो स्टूडेंट्स, टाइम की बाउंडेशन है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, मार्क्स जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ही कंप्यूटर द्वारा चेक होते हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू और फॉल्स, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके चेक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और उसका रिजल्ट आप तुरंत टेस्ट बाद देख पाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आपके लिए कोई शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है या लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स है, उसके आंसर्स आपको टीचर्स बाद में चेक करके बताएंगे, उसके मार्क्स भी आपको बाद में बताया जाएगा। आई होप सो इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आएगा और हेल्प मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर यू।